और ये तो आप मानेंगे ना कि पिछले 15 वर्षों से बिहार की जीडीपी 10+% में रही है, अकेला राज्य है देश का, ये बिना एग्रीकल्चर के संभव नहीं है अजय जी। प्रेम शुक्ला जी, इसलिए ये व्यवस्था जो आप बता रहे हैं कि बिहार का किसान सबसे गरीब है, ये 15 साल पहले की व्यवस्था है, आज राइट धरातल पर यह व्यवस्था नहीं है। राइट, अब मैं दूसरी बात बताता हूँ, आप बहुत कन्वीनियंटली महाराष्ट्र महाराष्ट्र और पंजाब को आपने कन्वीनियंटली इग्नोर कर दिया। मैं आज आपको बता रहा हूँ कि आपकी कांग्रेस सरकार ने एक साथ 19 राज्यों में कॉन्ट्रैक्चुअल फार्मिंग शुरू की थी, 19 राज्यों में, पता कर लीजिएगा। अभी आपके साथ अभय दुबे मेरे साथ थे, उन्होंने इस बात को माना भी है कि वो आपने जब 19 राज्य में आप कॉन्ट्रैक्चुअल फार्मिंग शुरू कर सकते हैं कांग्रेस की गवर्नमेंट, तब आज आप केंद्र सरकार के इस कानून को झूठला क्यों रहे? दो मुंह ही बातें क्यों कांग्रेस की? यही तो देश जानना चाहता है। 60 वर्ष आपने राज किया, किसानों के भले के लिए आप करना चाहते हो, तो अब सिर्फ मोदी विरोध के नाम पे, मोदी के नाम पे देश के विरोध में क्यों जा रहे हैं? प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी के पास, प्रेम शुक्ला आपको सर, प्रेम शुक्ला जी, दिक्कत ये आ रही है कि, और जो इस बात की तरफ इशारा है कि आंदोलन इसलिए पीछे लंबा और इस तरह से चल रहा है, उसका कारण ये है कि आंदोलन जो है वो परजीवी शब्द जो है बार बार आ रहा है, वो उन्होंने इस आंदोलन के अंदर इस तरह की चीजें कर दी जिसकी वजह से बात बन नहीं पा रही है। किसान होते तो बात बन गई होती। एक किसान हो और अपने मूलभूत मुद्दों पर बात करें तो सरकार किसानों के बुनियादी मुद्दों पर बात करने के लिए तो तैयार ही है, लेकिन आपने देखा चाहे जेएनयू का आंदोलन हो, जेएनयू के आंदोलन में कौन लोग कूद पड़े? अब मैं नाम लूंगा तो आप विरोध करने लगेंगे, योगेंद्र यादव सलीम विद्यार्थी हो गए, राहुल गांधी जी विद्यार्थी हो गए, सीताराम येचुरी विद्यार्थी हो गए, यही लोग सीएए के आंदोलन में भी आ जाते हैं। सीएए के आंदोलन में बाकायदा सर्वोच्च न्यायालय समिति गठित करती है, वो समिति के लोग वहां बात करने जाते हैं, लेकिन उनसे बात करने के बाद सारी बातें बिगाड़ता कौन है? वो आंदोलनजीवी लोग हैं, और इस किसान आंदोलन में भी वही आंदोलनजीवी लोग आए हुए हैं, दिख रहे हैं सबके सामने है। तो ये आंदोलनजीवी जो है, चाहे वकील हो, चाहे विद्यार्थी हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे आढ़ती हो, चाहे जो आंदोलन शुरू हो, उस आंदोलन में वो सरकार विरोधी नैरेटिव खड़ा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सिर्फ ये नहीं कहा कि कोई भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के विरुद्ध कर रहे हैं, ये आंदोलनजीवी जो है जिन राज्यों में अन्य लोगों की सरकारें हैं उन राज्यों में भी मेधा पाट कर कहीं भी आप आंदोलन कर लीजिए, उस आंदोलन में मेधा पाट कर आपको दिखाई देंगे आंदोलनजीवी के रूप में। तो आप कहीं भी आंदोलन कर लीजिए, संजय सिंह आपके सांसद वो दिखाई ही देंगे। तो कुछ लोग जो है आंदोलन जीविता को ही अपनी आजीविका बनाकर, राजनीतिक आजीविका बनाकर, कहीं भी किसी भी प्रदेश में किसी भी सरकार के विरुद्ध कोई भी आंदोलन चल रहा हो, उस आंदोलन में आंदोलन जीवियों की भूमिका आती है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने यही बात कही, ये इस आंदोलन पर जीवी जो बात है। जी प्रतीक जी, जी डॉक्टर राजा जी, जी रिस्पॉन्स। प्रतीक जी, जेएनयू में जब हिंसा हुई थी तो अनजीवी लोग कोमल शर्मा जी के योगदान के बारे में चर्चा होनी चाहिए। कपिल मिश्रा जी जो दिल्ली दंगा में, वो भी अनजीवी थे कि आंदोलन जीवी थे? तो हमारा कहना है कि अगर इस देश में भारतीय जनता पार्टी लगातार जब विपक्ष में थे तो आंदोलन करते थे कि नहीं, हर एक मुद्दे को उठाते थे कि मैं तो अभी तो देख रहा था उनका फोटोग्राफ। आंदोलन करना और आंदोलन जीवी होना दो अलग अलग चीजें हैं। प्रेम शुक्ला जी, दो सेकंड, आंदोलन करना और आंदोलन जीवी होना, कृपया दोनों के अंतर को समझिए। बस इतना तो मेरा एक ही पंक्ति का है कि आंदोलन और आंदोलन जीविता दोनों के अंतर को कृपया समझिए, इतनी सी बात है। ठीक है, पहली बात क्या है कि मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा जब विपक्ष में, काफी समय विपक्ष में रही है, अभी सरकार में पिछले 7 साल से, तो उस समय जब वो लोग आंदोलन करने थे कि क्या वो आंदोलन जीवी थे? और अचानक जो है सरकार पर आने के बाद बाकी सब लोग जो आंदोलन कर रहे हैं वो आंदोलन जीवी हो गए? यानी इस देश का जो लोकतंत्र का सबसे बड़ी शक्ति जो है वो आंदोलन है। हमारे अजय आलोक जी, आलोक जेडीयू के नीतीश जी हो, लालू जी हो, जितने भी बीजेपी के बड़े बड़े, वो 77 के आंदोलन से, जयप्रकाश जी के आंदोलन से पैदा हुए थे। तो हमारा ये कहना है कि अगर आंदोलन, क्योंकि अब सत्ता में आ गए तो सत्ता का भोग लेने के चक्कर में आप सभी आंदोलनकारी को जो है बदनाम कर रहे हैं, ऐसा तो आंदोलन आंदोलन नहीं। डॉक्टर राजा ये सवाल है, डॉक्टर राजा ये सवाल है, ये आंदोलन टेबल तक आता है या नहीं टेबल तक आएगा? अगर सड़क पे हो रहा है, बातचीत की टेबल पे आएगा या वहीं बैठा रह जाएगा?
सवाल ये है अगर आप, और सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर आप हमारे स्वागत कांटीली तार के साथ और कील के साथ कर रहे हैं, इंटरनेट काट करके, वो जो गलत है वो बोला गया, जो गलत है सर वो बोला गया। आलोक में दे रहा हूँ, चांस दे रहा हूँ, आलोक दे रहा हूँ मैं, रिजू दा, रिजू 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 मैं आलोक इसके बाद दे रहा हूँ मैं आपको। प्रतीक जी मेरे को थोड़ा एक मिनट टाइम दे दीजिएगा। जेडीयू के जो जेडीयू के प्रवक्ता थे उन्होंने बंगाल पे उंगली खड़ा किया था, तो वो एक पर्सनल हो जाता है हम लोगों को, तो इसलिए मैं उनको बिल्कुल पर्सनल होने की जरूरत नहीं, रिजू पर्सनल होने की क्या जरूरत है भाई, वो भी एक पॉलिटिकल पार्टी है, वो भी एक पॉलिटिकल फ्रंट है, वो बात आपको कह सकते हैं। उनको पर्सनल अटैक नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आंकड़े बता रहा हूँ बंगाल की तरफ से। उनको बंगाल गरीब दूरीकरण मतलब पॉवर्टी इराडिकेशन 100 दिन का काम, मनरेगा, एमएसएमई और किसान योजना में नंबर वन है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, केंद्रीय सरकार बोल रही है। आपने किसानों के मुद्दों पे आपने उंगली उठाया कि किसानों के लिए आप लोगों ने क्या किया है। जो प्रधानमंत्री के किसान सम्मान है वो बंगाल को 6 साल कंटिन्यूस मिला है। नंबर वन, बंगाल में हर किसान को पर एकड़ 5,000 रुपया मिलता है और 100% कवरेज मिलता है, जहां पर आपके पीएम किसान योजना में सिर्फ छोटे और मार्जिनलाइज्ड फार्मर्स जिनके 2 हेक्टर की कम जमीन है सिर्फ उनको कवरेज मिलेगा। यहां पर हर किसान को 2,00,000 रुपए का लाइफ इंश्योरेंस मिलता है 16 से 80 साल तक को, ठीक है। और यहां पर बंगाल में किसान की जो निजी आय है वो 90,000 से 2,90,000 होकर 3 गुना बढ़ गया है, जो केंद्र सरकार ने बोला था कि हम 2022 तक दिगुना कर देंगे। अब जैसा चल रहा है लग रहा है 2028 तक होगा नहीं। और तीसरा सबसे अहम मुद्दा, बंगाल इस देश का सबसे बड़ा राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट है, चावल उगाने वाला प्रदेश है, और केंद्र सरकार का ये लिखित डिमांड था कि हम लोग 6,00,000 मेट्रिक टन